हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मैंने आज के मौसम के साथ कर ली है। आपने देख लिया होगा कि आज का मौसम कैसा है। और अभी मैं जा रही हूँ आज हल्द्वानी अपने मायके, और वहाँ जाने की एक खास वजह है, वो आपको वहीं जा कर दिखाऊँगी। और रोज़ मैं आपको रूट दिखा के बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलूँगी सीधे हल्द्वानी जाके। तो वहीं पे से मैं ब्लॉग फिर कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस, दीदी पहुँच चुकी है यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं घर को। आगे से छोड़ा है क्या? जे रही अम्मा, दादा आए थे लेने और इनको भी छोड़ना था जरा घर तक। जो मुझे सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब है लेकिन आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं अपने घर और आपको आज मैं कहाँ जा रही हूँ आपको देखो, कुछ नया नया सा लग रहा होगा। ये दादा, मैं जैसे ही पहुँची हमारी पुन्नू बाहर से दिखाई दे रही है और मुझे देख के ये अंदर को भाग रही है। ये क्या कबाड़ मचा रखा है इन लोगों ने। हाय पूर्वी, हेलो बोलो बुआ से। हाय, जीते रहो जीते रहो। ये मेरी भाभी, मेरी यहाँ पे हाय पहला। जीते रहो जीते रहना। ये हालत खराब हो रही है हमारे पास। आज आपको हमारे घर की पूरी लोकेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज हमारी लोकेशन चेंज हो गई है। हम लोगों ने पहले मम्मी लोग रेंट में रहते थे और आज हम फाइनली अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, अपने मकान में। जिंदगी फैली पड़ी है, अभी सामान सेट नहीं हुआ है और एक रूम का सामान हल्का फुल्का हमने अभी सेट किया हुआ है और बाकी सेट करेंगे। फिर मैं आपको अच्छे से जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। अरे हमारी बुआ है, तो गाइज अभी भी हमारा सामान सेट नहीं हुआ है, आधा हमने कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ड्राॅइंग रूम मतलब हल्का फुल्का तो सेट कर दिया है। ये ड्राॅइंग रूम हमने थोड़ा बहुत सेट कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है यहाँ। और किचन में भी हमने थोड़ा बहुत सेट कर ही लिया है, बाकी लॉबी थोड़ा क्लीन हो गई है। और पिंकी और पूजा बाहर से पोछा लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों भी बहुत लगे हैं काम में, ये देखो इनका यहाँ पे काम चल रहा है साफ़ सफाई का। बहुत मिट्टी आ रही है ना। खाना खा लेती क्योंकि मैंने वहाँ से आने के बाद खाना नहीं खाया, डायरेक्ट काम में लग गई थी क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ था। ये लॉबी जो थी उसमें पूरी भरी हुई थी, आपको दिख रही होगी, और अभी पूरी क्लीन हो गई है। तो मैं फिर आपको दिखाऊँ, सबकी हालत ख़राब हो गई है। मम्मी की शक्ल देखो, मेरी शक्ल तो बेशक्ल हो गई है आज पसीने से बिल्कुल, और भाभी भी इतना पसीने से बिल्कुल, सब परेशान है। अभी तक पिंकी जिस काम को कर रही थी वो हो चुका है कम्प्लीट। ये देखो, ये बना रही थी बुक्स रखने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था तो ये लोग इसको बना रहे थे और ये कंप्लीट बन चुका है। इसमें बुक रख रहे हैं भाभी। आज हमारा सब बाहर से ही हो रहा है। जैक जैकू। तो गाइस, भैया का रूम भी कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखो, ये और पूरा रूम सेट हो गया। मैं एक बार अब झाड़ू लगा लेती हूँ और रात हो गई है। ये देखो, बाहर अंधेरा हो गया है और हमारा अभी सारा काम तो नहीं, बस कुछ कुछ ही काम हुआ है और मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। देख लिया होगा आपने, हम आज बहुत थक गए हैं, हमारी हालत भी ख़राब हो गई है। और अब खाने की तैयारी कर रही हैं भाभी, जो है वो आटा गूंथ रही है। ये देखो, और इसको व्लॉगर बनना है, हमारे गोलू को व्लॉगर बनना है। इधर देखो, क्या करना है, व्लॉगर बनना है, इसको भी व्लॉगर बनना है, इसको व्लॉगिंग का बहुत। खाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, खाना बना रहे हैं, लेकिन हम खाना बाहर से बना रहे हैं क्योंकि हम अभी अंदर नहीं बना सकते। जब तक हम घर में पूजा नहीं करेंगे तो किचन में खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए हमने पंडित जी से पता करा तो वो कह रहे थे कि बाहर से तुम खाना बना सकते हो, इसलिए हम बाहर से बना रहे हैं अपने घर के बाहर से। पूरी अंदर जगह बच चुकी थी तो मैं, मेरे को लगा मम्मी तो, मम्मी बता नहीं क्या हो गया, मम्मी को आज तो बाहर बना रही है। हाँ, इसीलिए बाहर बना रहे हैं कि जब तक पूजा घर में नहीं होती है तब तक हम अंदर खाना नहीं बना सकते हैं ना, तो इसलिए हम बाहर से खाना बना रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बनाएंगे। और अंदर परसों से जब पाठ हो जाएगी घर में उसके बाद से बनाएंगे। अब हम खाना बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। मैं आज बनी है कद्दू की सब्जी और रोटी।
दही और चावल और कढ़ी और अचार। हाँ चलो खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और परांठा और घर का जो है सामान हमने लगभग सेट कर ही लिया है। और इसका पूरा जो मतलब अच्छे से जो रूम टूर दूंगी मैं परसों पूजा के दिन दूंगी। अभी कल को पूजा होनी है और हम लोगों ने आज बाहर से ही खाना बनाया था क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हमारे वहाँ अंदर खाना नहीं बनाते हैं किचन में। गाइस आज है डे टू और आज का हमारा काम है पर्दे सही करना। पर्दे बहुत लंबे हो रहे हैं तो पर्दे सही कर रहे हैं। पर्दे सही करते करते हमारी मशीन जो है वो ख़राब हो गई है। अब हम आधे घंटे से उसको सही करने में लगे हैं लेकिन हो ही नहीं रही है। अब भैया को बुला रखा है अब होता है या नहीं होता ये चीज़। पर्दे सही करते करते ये हमसे खुल गया, मतलब मैंने खोल दिया था क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही थी और अभी लगी रहा इतना टाइम हो गया सब खोल के बैठे हैं। अब हम यूट्यूब से देख रहे हैं और फिर इसको सही करेंगे। मैंने बिना यूट्यूब में देख लगाया लेकिन हाँ तो अभी लग गया। हम इसको फाइनल कर लेते हैं और फिर पर्दे ठीक करते हैं। गाइस मम्मी लोग मार्केट गए थे नानी को लेने के लिए और नानी आ गई है। नानी हेलो बोलो। हेलो ऐसे करो हेलो। और अभी तक बुरा लग रहा था क्योंकि कल हमारे साथ थे भैया के बच्चे लोग, भाभी लोग सब यहीं थे और आज सुबह वो चले गए हैं दिल्ली को। तो फिर बड़ा सुनसान सा लग रहा था घर, खाली खाली सा। फिर अभी नानी आ गई है तो अब अच्छा लग रहा है। और कल को है पूजा। दो दिन का ब्लॉग मैं एक साथ बना रही क्योंकि कल के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ जो सामान वगैरह था वही हमने सेट करना था और हम कर चुके हैं। बाकी देखो अब क्या होता है। अब खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं और फिर दिखाएंगे आपको कि आज के दिन में हम क्या करते हैं। आइसक्रीम जी खाने। तो गाइज अभी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। बहुत गर्म हो रहा है। ये पूजा को देखो ये पूजा का झूला पिंकी और ये भैया। सबसे ज़्यादा आइसक्रीम भैया ने ली है, पूरी कटोरी भरी है इसकी। और हम लोग भी हो रहा है शाम का टाइम और अभी थोड़ी धूप चली गई है तो मम्मी यहाँ पे कर रही है थोड़ा गार्डनिंग। ये यहाँ पे पूरी घास ही घास हो रही है, मम्मी खोद के ऐसा बना देगी प्लेन जैसा मम्मी ने यहाँ बना दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें फ्लावर लगाएंगे। ये और जो मैं घर से प्लांट लेके आई हूँ ये हैं, कुछ प्लांट मैं घर से लेके आई हूँ तो मम्मी उनको भी लगाएगी यहाँ पे। और ये पुराने हैं मम्मी के पहले के। हम अंदर आ गए हैं और फूलों में हमने पानी वानी सब डाल दिया है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखती हूँ और करती हूँ अपने आज के इस ब्लॉग पे एंड और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।